सीआरपीसी में ऐसे बहुत सारे छिपे हुए हथियार दबे पड़े हैं जिनका आरोपियों को एडवोकेट्स को प्राय ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन ये हथियार किसी कानूनी कारण से म्यान से बाहर आ जाएं तो इनकी मार बहुत घातक और आरोपियों को मिटा देने वाली होती है। ऐसा ही एक घातक हथियार है सेक्शन 319 सीआरपीसी। शायद कानून बनाने वालों को शुरू से ही पता था कि तफ्तीश के दौरान पुलिस उन लोगों को छोड़ सकती है जो प्रभावशाली हों या अन्य किसी तरह से पूरी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करके अपने बचने का जुगाड़ कर सकते हों। तो उन्होंने एक ऐसा कानूनी हथियार बनाया है जो पुलिस या आईओ के द्वारा छोड़े गए आरोपियों को भी कोर्ट के सामने, यदि कोर्ट चाहे और मुनासिब समझे तो अपने सामने बुलाकर उन्हें मुकदमा भुगतने का आदेश दे सकता है। इसमें कोर्ट उन लोगों को मुकदमा भुगतने के लिए बुलाता है जिनका नाम पहले चार्जशीट में नहीं होता, लेकिन गवाही के दौरान उन लोगों का नाम सामने आता है कि वे लोग भी अपराध करने वालों में शामिल थे। तो ऐसे लोगों को अपने सामने बुलाने और शामिल मुकदमा करने की ताकत ट्रायल कोर्ट में होती है। ट्रायल कोर्ट उन लोगों को बुलाने के लिए समन्स या वारंट्स जैसे हालात हों वैसे उनको इशू कर सकता है। सवाल है, ऐसे कौन कौन से हालात हो सकते हैं जब किसी व्यक्ति को सेक्शन 319 सीआरपीसी के तहत मुकदमा भुगतने के लिए बुलाया जा सकता है? जवाब है, जैसे रेप का आरोपी जिस कार में बैठकर आया था उस कार का मालिक, घटना से पहले पीड़िता के घर की रेकी करने वाला दोस्त, या घटना के बाद आरोपी के छुपने के दौरान उसे शरण देने वाला दोस्त और उसके पिता। ये सब लोग यदि पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं किए गए हैं और गवाही के दौरान इनके इन्वॉल्वमेंट का सबूत रिकॉर्ड पर आ जाता है तो वह ट्रायल कोर्ट इन लोगों को सेक्शन 319 सीआरपीसी के तहत बुलाकर मुकदमा भुगतने के लिए कह सकता है। यदि स्कूल का प्रिंसिपल पोक्सो एक्ट के अपराध होने की जानकारी के बावजूद भी स्कूल का नाम खराब न हो इस आधार पर घटना की सूचना को दबाता है या दबाने की कोशिश करता है तो स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट ऐसे प्रिंसिपल को सेक्शन 319 सीआरपीसी का एविडेंस आने पर सेक्शन 16-17 पोक्सो एक्ट के लिए मुकदमा भुगतने को बुला सकता है। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सवाल है कि सेक्शन 319 सीआरपीसी में कौन सी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को मुकदमा भुगतने के लिए बुला सकती है? इसका जवाब है कि यह ताकत केवल ट्रायल कोर्ट के पास होती है। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो मुकदमे में आरोपी नहीं है लेकिन उसके खिलाफ ऐसा एविडेंस आया है कि वह भी अपराध करने में शामिल रहा है तो उसे समन्स या वारंट्स भेजकर अपने सामने बुला सकती है। सवाल है कि सेक्शन 319 सीआरपीसी में ऐसा लिखा क्या है कि जो कोर्ट के पास इतनी अथाह शक्ति आ जाती है? इसका जवाब है, सेक्शन 319 सीआरपीसी के चार भाग हैं, यानी कि चार सब सेक्शन हैं। इसके सब सेक्शन एक के अनुसार किसी भी अपराध के ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान मिले एविडेंस से यदि ऐसा लगे कि इस ट्रायल में आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी अपराधी है और उसे इन्हीं आरोपियों के साथ मुकदमा भुगताया जा सकता है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा। सेक्शन का जो दूसरा सब सेक्शन है उसके अनुसार कोर्ट ऐसे व्यक्ति को समन्स या वारंट्स के द्वारा अपने सामने आने का आदेश दे सकता है। सब सेक्शन 3 के अनुसार यदि वह व्यक्ति समन्स या वारंट्स के बिना ही कोर्ट में हाजिर हो तो कोर्ट उसे हिरासत में ले सकता है। और अंतिम बात, सब सेक्शन 4 के दो भाग हैं। पहला भाग ए है। भाग ए में कहा गया है कि ऐसे नए जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए पहले से हो चुकी गवाही दोबारा करवाई जाएगी और उसके नीचे भाग बी में कहा गया है कि उस नए जोड़े गए आरोपी से अन्य सब आरोपियों के समान ही व्यवहार किया जाएगा। सवाल है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 3 SEC 92 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सेक्शन 319 सीआरपीसी पर क्या निर्णय था? जवाब है, इसमें कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 319 सीआरपीसी में कोर्ट के पास असाधारण शक्तियां हैं जिनका प्रयोग
प्रयोग वह कोर्ट अपने विवेक के आधार पर करता है। ये शक्तियाँ केवल इस आधार पर प्रयोग नहीं की जानी चाहिए कि मजिस्ट्रेट या सेशन जज को लगता है कि उस दूसरे आदमी ने भी अपराध किया हो सकता है। इनके प्रयोग के लिए बहुत मजबूत और मौलिक आधारों की जरूरत होती है। अतः हम यह तय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह तय करते हैं कि एविडेंस के ऊपर आधारित केवल प्रथम दृष्टया केस ही नए आरोपी को समन या वारंट करने के लिए काफी है, लेकिन यह एविडेंस बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और हाँ, यह एविडेंस केवल गवाह के मुंह से निकला हुआ और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के होना चाहिए। इसमें नए आरोपी को बुलाए जाने के लिए इतने एविडेंस की जरूरत नहीं है कि उसे सजा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अगला सवाल है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 319 CRPC को लेकर क्या मत है। इसका जवाब है सागर वर्सेस स्टेट ऑफ UP क्रिमिनल अपील नंबर 397 ऑफ 2022 की अपील नंबर ये थी। सामने आप देख रहे होंगे 10 मार्च 2022 को यह तय हुआ था। इसमें दो ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर एक व्यक्ति को सेक्शन 319 CRPC में समन करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन लगाई थी जो चश्मदीद नहीं थे। ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपील की, वो हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को गलत बताते हुए नए व्यक्ति को समन करने का आदेश किया। इस पर वह नया व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाने के लिए पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और कहा कि कानून को संविधान पीठ के द्वारा हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फाइनल किया जा चुका है। यह सेक्शन 319 CRPC कोर्ट को अपरिमित शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन इन्हें वीरता के भाव से या प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए इतने पुख्ता सबूत तो होने ही चाहिए जितने कि आरोपी के खिलाफ सेक्शन 227 CRPC में चार्ज लगाने के समय होने चाहिए, लेकिन वर्तमान केस में इतने पुख्ता सबूत नहीं है क्योंकि उन गवाहों ने ही घटना को होते हुए नहीं देखा है। अतः ट्रायल कोर्ट का निर्णय ही सही था और हाई कोर्ट का निर्णय गलत था, तो उन्होंने उस नए बुलाए गए आरोपी को मुक्त कर दिया। सवाल है कि यदि आरोपी को सेक्शन 319 CRPC में समन कर लिया गया हो तो क्या उसके पास डिस्चार्ज के लिए जाने का कोई विकल्प होता है। अभी 1 अगस्त 2022 को हम एक अन्य मसले पर कोर्ट में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, और यह सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 की बात है। तो हमने देखा कि एक मसले पर कोर्ट में बहस चल रही है। हमने बहुत ध्यान से दोनों पक्षों को सुना क्योंकि वह बहस सेक्शन 319 CRPC के संबंध में ही थी। बाहर आकर जब इस केस की बाबत हमने पता किया तो यह देखा कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस P नरसिम्हा की बेंच ने राम जन्म यादव वर्सेज स्टेट ऑफ UP स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल नंबर 3199 ऑफ 2021 इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक SLP को एडमिट किया है। उसमें कोर्ट ने कहा CRPC की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग एक उच्च पायदान पर रखा जाना चाहिए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आरोपी को CRPC की धारा 319 के तहत बुलाया गया है, जो धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग एक अवैध या अनुचित पेशी के खिलाफ कानून के तहत उपाय करने के हकदार हैं। लेकिन सेक्शन 227 CRPC के तहत डिस्चार्ज करने की मांग करता है तो यह ट्रायल को उल्टी दिशा में ले जाने के जैसा होगा। तो डिस्चार्ज करने की ऐसी कार्रवाई CRPC के उद्देश्य के अनुसार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 319 के व्यक्ति को यदि डिस्चार्ज के लिए सेक्शन 227 CRPC जो कि सभी दूसरे आरोपी जिसमें डिस्चार्ज की मांग करते हैं, यदि इसको भी वहीं ले जाया गया और उसी के तहत इसकी बात सुनी गई तो यह मुकदमे को उल्टी दिशा में ले जाने के जैसा होगा, जो कानून सम्मत नहीं दिखाई पड़ता है। अवश्य ही उसके लिए कुछ भी करके अन्य अभियुक्त के समान न्याय मिल सके, इसके लिए यह बिंदु को तय किया जाना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बाबत कानून को तय करना पड़ेगा। तो हम सभी लोग इस फैसले के इंतजार में हैं और जब यह आएगा तो यह सेक्शन 319 CRPC के कानूनी प्रावधानों में एक नए अध्याय को जोड़ेगा। हम सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं
भारत के हर स्थान से एडवोकेट समसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।